Hello all. We will be discussing our topic further and at periodic table, periodicity. So what is periodicity? Periodicity is reoccurrence of similar properties after a regular interval of elements. पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स पास ऑन करने के बाद दोबारा जब हम एलिमेंट्स की तरफ आते हैं तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होने शुरू हो जाती हैं. दिस ग्रेडेशन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक? पीरियोडिक रिपीटेशन इज द रिपीटेशन व्हिच इज अकरिंग एट अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल अ मोशन ऑफ पेंडुलम. अ पेंडुलम इज अटेनिंग अ स्टेट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो वी से द मोशन ऑफ पेंडुलम इज पीरियोडिक मोशन. तो सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स क्रॉस करने के बाद दोबारा जब हम एलिमेंट्स पे आते हैं आगे वाले तो उनकी प्रॉपर्टीज पीछे वाले एलिमेंट्स के जैसी होती है. तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी. व्हाट इज द रीजन फॉर द एलिमेंट्स टू शो पीरियोडिसिटी? इज द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. किसी भी एलिमेंट की बेटर रिएक्टिविटी उसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं. वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. तो अगर किसी भी दो एटम्स के वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सेम होगी. और पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स में आने वाले एलिमेंट्स की वेलेंस आउटर कॉन्फिगरेशन सेम होती है, इस वजह से वो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी शो करते हैं. तो अगर मैं आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम का कॉन्फिगरेशन 2-1, देन 2-2, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? सोडियम, है ना, एटॉमिक नंबर 11. तो कॉन्फिगरेशन इज 2-8-1. सी द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोथ ऑफ बोथ लिथियम एंड सोडियम आर सेम. तो दिस इज दी एलिमेंट्स व्हिच आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज. और सिमिलर इन प्रॉपर्टीज या सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअकर हो रही हैं. व्हाई? ड्यू टू सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. दैट इज व्हाई सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड. So this phenomenon is called periodicity. This is beta periodicity. Next जो हमने discuss करना है, वो discuss करना है about periodic properties. This is the essence of chemistry, right? अगर आपको इन periodic properties के बारे में बहुत अच्छे से पता है या इन periodic properties की feeling आपको बहुत अच्छे से ले गई, then subject chemistry is no bar for you. You will feel very comfortable in the subject chemistry, right? Periodic properties बेटा जो हमने आज discuss करनी है वो कौन सी करनी है? पहले discuss करनी है atomic size, size of an atom. Second periodic property जो हमने discuss करनी है बेटा, that is ionization energy. Third property, electron gain enthalpy. Fourth property, electronegativity. Very basics, I am writing very basic terms which we would be using in almost every chapter of chemistry. Physical chemistry में भी involve करेंगे, inorganic में तो करेंगे ही करेंगे, even organic chemistry में भी इन properties की काफी importance है. Electronegativity, then nature of oxides, right? Nature of oxides followed by some miscellaneous terms, right? This is going to be the chapter at a glance for you. कि इस periodic properties वाले trend में हमने किन-किन properties के बारे में discuss करना है. But सबसे पहली property जो हम अभी discuss करने वाले हैं, that is atomic size, right? Let us see. Yes, students. Atomic size. How can you define the size of an atom? Let us have a look. Suppose that this is nucleus of an atom,
suppose this is the outermost electron of that atom, right? This is nucleus and that is the outermost electron of that atom. To the average distance, this distance, this distance is called distance between nucleus and outermost electron, right? This distance between nucleus and outermost electron is called the radius of an atom, right? This is called radius of an atom. अब देखो बेटा, रेडियस इतना बड़ा होगा, एटम का साइज भी उतना बड़ा होगा, है ना? एटम का साइज इतना बड़ा होगा, एटम का रेडियस, एटम का वॉल्यूम भी उतना बड़ा होगा। तो अगर कहीं पर आपको लिखा हो मैंने एटॉमिक रेडियस, है ना, या आपको लिखा हो, मैं ये नहीं कह रही एटॉमिक साइज है, मैं बोल रही हूँ अगर आपको रेडियस की जगह कहीं लिखा हो ये एटॉमिक साइज है या ये इसका एटॉमिक वॉल्यूम ट्रेंड है, तो दोनों का मतलब, तीनों का मतलब क्या होगा? सेम, बिकॉज रेडियस जितनी बड़ी होगी एटम का साइज उतना बड़ा होगा, एटम का वॉल्यूम भी उतना बड़ा होगा। तो लेट अस हैव एन व्यू कि हम एटम के साइज को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। वी डिस्क्राइब साइज ऑफ एन एटम बाय डिस्कसिंग द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट? प्रॉब्लम अब ये है, दो प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जगह सर्टेन नहीं है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अंडर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप अभी के लिए इतना समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 100% यही होगा, ऐसा हम 100% एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन यही होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो मतलब इस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही रहेगा। दूसरा, चलो हम इस एरर को इग्नोर भी कर दें तो भी क्या एटम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? नो, एटम्स आर अनस्टेबल, दे कंबाइन एंड एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ बच्चों मॉलिक्यूल्स। कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? दे एग्जिस्ट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो एटम्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि सपोज बेटा ये आपके पास एटम था ए, राइट, दिस वाज एटम ए और ये भी दूसरा एटम था ए, सो दिस वाज द मॉलिक्यूल ए टू हैविंग बोथ एटम्स ए। अब देखो बेटा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? This average distance between the nuclei of these two A atoms, इस distance को हम कहते हैं bond length of AA bond, right? This is called bond length of AA bond. यहाँ हम इसे represent करते हैं as DAA. Now, what about the concept of radius of A? It is considered that if you divide this distance by 2, you can have approximately the value for radius of A atom. So RA is radius of atom A. तो ये problem का solution निकाला गया कि कोई बात नहीं, अगर nature में atom exist नहीं करता, combined form में exist करता है in the form of molecules, तो आप उन molecules की जो bond length है उसको half कर दो, you will have the radius of that atom A. तो DAA by T will be equal to RA, which is called radius of atom A, right? फिर से एक problem क्या? अगर आपका molecule कुछ इस तरह का हुआ A and B, A and B, this is B and this is A. And what is this distance called? Distance would be called DAB, bond length of A and B. तो ये जो DAB है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आप नहीं कह सकते ये रेडियस ऑफ A होगा या रेडियस ऑफ B के बराबर है, because
because both the atoms are of different size. अब हम यहाँ रेडियस की कैलकुलेशन कैसे करें? इसके लिए बेटा एक इक्वेशन हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीवनसन स्कूमेकर इक्वेशन, राइट? स्टीवनसन स्कूमेकर इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड is equal to radius of A plus radius of B minus 0.09 into electronegativity difference of A and B. बच्चों electronegativity क्या होती है आगे के lectures में discuss करेंगे, अभी के लिए तो याद रखना कि ये जो electronegativity difference है ये positive होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो electronegativity of B minus electronegativity of A. अभी कुछ भी ज्यादा में से कम को माइनस करना है, ये डिफरेंस आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए. तो बेसिकली ये जो रिलेशन है दिस हेल्प अस टू डिस्क्राइब रेडियस ऑफ एटम्स ए एंड बी इन केस बोथ द एटम्स ए एंड बी आर डिफरेंट. तो अभी तक बेटा हमने एटॉमिक रेडियस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस. और अगर एटम सेम हो या डिफरेंट हो, जिस भी तरह के एटम्स हों उनके केसेस में देखते हुए हमारी जो रेडियस है वो कैसे डिस्क्राइब हो सकती है, कैसे चेंज हो सकती है, ये हमने इसमें डिस्कस किया. मैं एक एग्जांपल भी डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ. तो लेट अस हैव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. सपोज बच्चों हमें दिया हुआ है BCC is 1.54 angstrom, BXX is 1 angstrom, electronegativity of C is 2.4, electronegativity of X is 4, then find out BCS, right? क्या दिया हुआ है? CC bond length दी हुई है, XX bond length दी हुई है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है और डीसी फाइंड करने को बोला हुआ है. तो व्हाट वुड बी द रिलेशन जस्ट सी, द रिलेशन वुड बी BCX इज इक्वल टू R ऑफ C प्लस R ऑफ X माइनस 0.09 इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C. स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, वी डू नॉट हैव RC बट वी हैव BCC. इफ वी डिवाइड दिस BCC बाय 2 we can definitely have RC. This the concept is this would be 1.54 by 2 plus 1 by 2, right? 1 by 2 minus 0.09. electronegativity of F is X is 4 minus electronegativity of C is 2.5. so this answer would be in angstrom, and you all know 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meters, right? So this is a concept which uses both the applications. कि यहाँ पर आपने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया DCC by 2. जब atom same हो और radius निकालना, just divide the just half of that. और यहाँ पे हमने क्या किया, DXX by 2, just half कर दिया. जिससे यहाँ हमारे पास क्या आ गया, DCX. तो basically बेटा अगर हम atomic size के concept की बात करें, exact radius नहीं निकाल रहे हैं, हम approximations की तरफ जा रहे हैं. अब फर्दर टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियसेस. टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के टाइप को कैसे डिस्कस किया जा सकता है. सबसे पहले जो रेडियस हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कोवेलेंट रेडियस, है ना? इनफैक्ट कोवेलेंट रेडियस जो हमने डिस्कस किया दैट इज कोवेलेंट रेडियस, है ना?
आप सबको पता है फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, टेंथ में भी पढ़ा है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज असेंशियल है ना। ऑर्बिटल्स बच्चों ओवरलैप करेंगे तभी वो किसकी तरफ जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बहुत जरूरी है फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट। तो इसका मतलब ये जो चीज आप कर रहे हो है ना, एक्चुअली ये ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो। अब कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ को जब बेटे हम हाफ करेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, इस कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ को हम जब हाफ करेंगे तो हम बोलेंगे जो रेडियस हमें मिल रही है वो कौन सी है, आर कोवेलेंट है ना। और अगर एटम्स डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, उसके लिए स्टीवनसन स्कूमेकर इक्वेशन यूज करेंगे, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो दिस इज ए, दिस इज बी, सॉरी दिस इज ए, बोथ आर ए। तो जो रेडियस मिलेगी यहाँ हमें आर ए, हम बोलेंगे दिस इज एक्चुअली दी कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। बच्चों कोवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, कोवेलेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ के डिस्टेंस को बच्चों हमने यहाँ क्या किया है, हाफ किया है, इससे जो रेडियस मिल रही है वो कोवेलेंट रेडियस मिल रही है। तो मतलब जिस तरह का फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा एटम्स में और उस फोर्स की वजह से जिस मिनिमम डिस्टेंस पे वो दोनों एटम्स बाउंड होंगे, उस डिस्टेंस का जब हम एवरेज लेंगे तो जो रेडियस आएगी वो उसी फोर्स के नाम से आएगी। दूसरा जो कोवेलेंट रेडियस का टाइप है बेटा, दैट इज कॉल्ड मेटालिक या क्रिस्टल रेडियस, राइट। मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस कैसे बता सकते हैं, सपोज बेटा कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, बिकॉज दोनों ए में
जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है बेटे वो कौन सा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है दैट फोर्स इज कोवेरिएंट. नाउ दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ड्यू टू द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स. राइट, वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से ये दोनों स्पीशीज इस डिस्टेंस पे हैं. तो जब हम इस डिस्टेंस का एवरेज लेंगे तो यहाँ जो रेडियस आएगा उसे आप क्या कहेंगे, वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ ए. राइट, तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया तो हमने तीन तरह की रेडियस डिस्कस की, क्या इस तरह से प्लेस है और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने कहा है कोवेलेंट रेडियस, है ना. और अगर मेटालिक स्ट्रक्चर में है तो हार्ड स्फीयर से टचिंग कर रहे हैं सिर्फ, तो ये जो डिस्टेंस आया इसको हमने क्या कहा, मेटालिक रेडियस. और बच्चों मतलब आर एम, इसको कहा हमने आर एम उसी मेटल का उसी एलिमेंट का, और इसको हमने कहा आर सी. सिमिलरली अगर हम इस डिस्टेंस का हाफ करते हैं, अगर हम इस डिस्टेंस का हाफ कर दें इसे हम क्या कहेंगे, वैन डर वाल्स रेडियस आर वी, आर सी आर एम एंड आर वी. तो व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सच रेडियसेस, ऑर्डर वुड बी आर वी आर एम एंड आर सी. इसका मतलब एक टीचर ने तीन बच्चों को एक ही एलिमेंट के तीन अलग अलग कंपाउंड्स दिए और बोला बच्चों इन कंपाउंड्स ने इस एलिमेंट की रेडियसेस निकाली. पहला जो कंपाउंड था उसमें जो एलिमेंट ए था वो कोवेलेंटली बॉन्डेड था, दूसरा जो कंपाउंड था उसमें ए मेटालिकली फेज में था मेटालिकली बॉन्डेड था, और तीसरा जो केस था उसमें था तो कोवेलेंटली बॉन्डेड लेकिन तीसरे बच्चे ने जो रेडियस की वैल्यू निकाल के बताई वो इन दो ए के बीच में निकाल के बताई. और आपको पता है इन दो के बीच के डिस्टेंस को जब हम हाफ करेंगे तो वन डबल रेडियस निकलेगा, और इस डिस्टेंस को जब हम हाफ करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस निकलेगा. तो क्या हुआ, एक ही एलिमेंट के लिए उसकी एटॉमिक रेडियस की तीन अलग अलग वैल्यूज निकल के आई. इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल. रीजन भी, अगर बॉन्डेड फोर्स वेरी करेगा तो बॉन्डेड फोर्स के वेरी करने की वजह से हो सकता है उस एलिमेंट का रेडियस भी बेटा क्या हो जाए, चेंज हो जाए. तो दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इज क्वाइट यूज. अब हम देखेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल में इस एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज का वेरिएशन ट्रेंड कैसा है, क्या क्या वेरिएशंस पीरियोडिक ट्रेंड में आती हैं. उसको समझने से पहले हम एक इफेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट. वी विल बी डिस्कसिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट. Yes, screening or shielding, right? Screening effect or shielding effect, right? होता क्या है screening effect में shielding effect? देखो बेटे जरा. ये बेटा हमारे पास nucleus. तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट
इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अंदर वाली शेल के न्यूट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट। अब बेटा ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दिस विल बी एक्सपीरियंसिंग टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस वुड बी एक्सपीरियंसेस कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करना चाहती है, अट्रैक्ट करना चाहती है और कर भी रही है। ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इनको भी कर रही है, न्यूक्लियस अंदर वालों को भी कर रही है और बाहर वालों को भी कर रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ परिस्थिति कुछ और भी है, क्या ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है इन सब पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल भी करते हैं। एक चीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी चीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेज रही है, तो बेसिकली दो तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। इनर शेल इसको अट्रैक्ट कर रही है, आउटर मोस्ट शेल इसको रिलीज कर रही है। तो बेसिकली ऐसा हो रहा है, इस वजह से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी इस न्यूक्लियस से उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल पा रही है, कुछ कम मिल पा रही है। या ये कहा जाए कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो एक स्क्रीन, एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं और छन छन के जो है न्यूक्लियर चार्ज इस तक भेज रहे हैं, पूरा न्यूक्लियर चार्ज इस तक नहीं भेज रहे, जिससे एक्चुअल अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बच्चों क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन due to the presence of inner shell electrons is called screening effect. So what is screening effect? Screening effect, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रूल निकल के आता है बेटे जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल क्या कहता है, कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसको आप कहते हो जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। ये किसके बराबर है, ये बराबर है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट स्पीशीज। व्हाई एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही तो अट्रैक्शन मिलेगा, कितने यूनिट मिलना चाहिए था, है ना, जेड यूनिट मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, जेड इफेक्टिव। व्हाई, ड्यू टू स्क्रीनिंग या शील्ड या परत की तरह काम करने की वजह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के, तो जो फैक्टर से ये चार्ज एक्सपीरियंस को कम कर रहे हैं उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और हम इसको कहते हैं सिग्मा। तो व्हाट इज स्लेटर्स रूल, स्लेटर्स रूल इज बेटा जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव जितना इफेक्टिवली आफ्टर दिस अट्रैक्शन रिपल्शन ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। कितना करना चाहिए था, जेड करना चाहिए था, जो कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। और किस वजह से कम हो रहा है, इस स्क्रीनिंग की वजह से कम हो रहा है, शील्डिंग की वजह से कम हो रहा है, उसके लिए जो कॉन्स्टेंट हम लेके आए हैं द
that constant is called screening constant denoted by the letter sigma. Okay. Now what we will discuss is, we will discuss the calculation of sigma. Right? How we can calculate this sigma. Right? Sigma ki calculation beta, s और p electrons के लिए अलग तरह से होती है और d और f electron पे अगर आपको sigma calculate करना है तो उसके लिए इसकी calculation अलग तरह से होती है. तो calculation for sp electrons अलग तरह से, df electrons दूसरी तरह से हम देखेंगे. calculation of sigma for sp electrons, ठीक है, इसमें देखना उसी शेल के, मतलब जिस शेल के s और p के इलेक्ट्रॉन पे आप सिग्मा कैलकुलेट करना चाहते हो, उसी शेल के, उसी शेल पे कहते हैं nh, उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की सिग्मा में कैलकुलेशन आती है 0.35, राइट? उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की सिग्मा में कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 0.35, n माइनस वन शेल के इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जिस शेल को आपने कैलकुलेट कर लिया उसके अंदर वाले शेल के, तो देखो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसके खुद के एक शेल के इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे उसको, हर एक इलेक्ट्रॉन कितने यूनिट से रिपेल करेगा 0.35, ठीक है, इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया. अब अंदर वाले शेल के एक, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स एन माइनस वन शेल का एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में जो कॉन्ट्रीब्यूशन देगा दैट इज 0.85. और अगर उसके भी अंदर शेल है वो रेस्ट शेल्स, वो सारे के सारे कंट्रीब्यूशन देंगे पूरा 1. इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आपका अंदर वाले शेल का होगा वो बाहर वाले शेल को रिपेल उतना ज्यादा करेगा. इसी का मतलब है कि अंदर वाली शेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 है, एक लास्ट बट 1 सेकंड लास्ट का 0.85 है और बाहर वाले का 0.35 है. बट अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूं. फॉर एग्जांपल वी हैव एल्यूमिनियम 30, ठीक है, एल्यूमिनियम 13 है हमारे पास, हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते हैं बेटे 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p1, 13. ये 13 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. एंड सपोज इस 3p इलेक्ट्रॉन पे, 3p के इस इलेक्ट्रॉन पे हमने कैलकुलेट करना है कि इसको बाकी कितना रिपेल कर रहे हैं, है ना, इसके लिए सिग्मा कितनी है. मैंने बोला अगर आपका इलेक्ट्रॉन जिस पे आपने सिग्मा कैलकुलेट करनी है वो s या p में से कोई है तो आपने इसको पूरे सिस्टम को डिवाइड करना है. ये थर्ड शेल का है और ये भी थर्ड शेल का है तो ये nth शेल होगी. एक अंदर वाली कौन सी होगी बच्चों, n-1, और बाकी जितनी भी रह गई वो कौन सी होगी बच्चे, n-2. अब देखो बेटा इसी शेल के लिए एक पे तो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और किसी शेल के बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 2, तो nth शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 2 रह गए. बच्चों एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है 0.35, तो 2 की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी बेटे 2 × 0.35, समझ में आया. n-1 एक अंदर वाली शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स. एक का कंट्रीब्यूशन कितना 0.85, तो 8 का कंट्रीब्यूशन कितना 0.85 × 8. n-2 की अगर हम बात करें तो n-2 में रिमेनिंग शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 रह गए और कंट्रीब्यूशन कितनी है प्रॉपर 1, तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा. और सिग्मा निकालने के लिए हम इन सब कंट्रीब्यूशंस को ऐड करते हैं, तो सिग्मा निकालने के लिए हमने कहा 2 × 0.35 + 2 × 1 + 0.85 × 8, राइट. सो दिस बिकम्स, so बेटा this becomes 2.70 + 6.80 is 0.8 × 5 = 5 and this is 9.5. the sigma on the last p electron of aluminium is 9.5. अब बेटा sigma 9.5 है तो actual nuclear charge जो last electron of aluminium experience कर रहा होगा बच्चों वो कितना होगा, एटॉमिक नंबर इज 13, है ना, कहां तो 13 यूनिट अट्रैक्शन लगना चाहिए था इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और कितना कम हो गया 9.5
इज वाई दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. तो कहां तो हम सोच रहे थे कि एल्युमिनियम की न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन 13 यूनिट ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से. लेकिन ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, जो स्क्रीनिंग आई उसकी वजह से जो उसका सिग्मा इन्वॉल्व हो गया, और उस सिग्मा की वजह से जो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज जस्ट 3.5. अगर हम डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ बेटा दो ही सेट बनाए, जैसे यहाँ 3 सेट्स बनाए. अगर आपने किसी डी या एफ इलेक्ट्रॉन के सिग्मा की कैलकुलेशन करनी है तो बेटा दो ही सेट बनाने हैं. एक तो NH शेल, मतलब उसी शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.35, और बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्स, रेस्ट ऑल है ना, रेस्ट ऑल, उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पूरा 1. मतलब इसमें बीच में 0.85 नहीं है, दो ही ग्रुप्स बनते हैं 0.35 एंड 1. अब फिर से एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल विच वी आर टेकिंग ऑफ इज जिंक 30, है ना. जिंक 30 का बच्चों कॉन्फिगरेशन देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 2 6 10, 18, 4s2, 20, we have to distribute 30, this is 39. Suppose हमें थर्ड सेल के एक भी इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, क्या थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को फोर्थ सेल का इलेक्ट्रॉन रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो खुद न्यूक्लियस से दूर है. इसका मतलब अगर आपको इस 3D के एक इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है सिग्मा या स्क्रीन, तो 4s की बच्चों उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि थर्ड सेल न्यूक्लियस के पास है, फोर्थ तो पीछे है. स्क्रीनिंग तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और अगर आपने थर्ड सेल की स्क्रीनिंग देखनी है तो सिर्फ थर्ड सेल को देखेंगे या उसके अंदर वाली सेकेंड और फर्स्ट को? फोर्थ सेल की उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई जगह नहीं होगी. तो ध्यान से देखना, ये थर्ड सेल है, ये बन जाएगी आपकी NH सेल, और एक इलेक्ट्रॉन पे, थर्ड सेल के एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप निकाल ही रहे हो डी के सिग्मा, तो डी के बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 9 9 प्लस 8 17. तो NH सेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17, और अभी बोला NH सेल के एक इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 है बच्चे, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, 17 into 0.35. अब इसमें दो ही ग्रुप बन रहे, बस एक NH शेल और बाकी सारी शेल्स. अब बाकी सारी शेल्स में बच्चे ये वाली शेल सारी, ये सब 6 2 2 10 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब 10 इलेक्ट्रॉन्स में से एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है, 10 का 1 होगा. तो बेटा अगर मैं यहाँ सिग्मा की कैलकुलेशन करूँ तो सिग्मा कितना हो जाएगा, 10 प्लस 17 into 0.35. So this becomes 10 plus 5.95, 15.95 is sigma. So beta, what is Z effective? Z effective is Z minus sigma. What is Z of zinc? 30. 30 minus. What is sigma? 15.95. Beta, kitna reh gaya? 40.05. कहाँ तो 30 यूनिट अट्रैक्शन लगना चाहिए था 3D के इलेक्ट्रॉन पे, और कहाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस की फोर्स आधी से भी कम हो गई. 30 यूनिट लगना चाहिए था, लग कितना रहा है 14.05. बट दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इन एन एटम. हाँ जी बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस करने के बाद हमें एटॉमिक साइज का पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करना है, कि एक पीरियोडिक टेबल में जो साइज ऑफ एन एटम है वो ग्रुप में जाने पर या पीरियड में जाने पर वेरिएशन किस तरह से शो कर रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, और इस पूरे एटॉमिक ट्रेंड्स में क्या क्या एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे हमें, उन एक्सेप्शंस को भी हमें डिस्कस करना है. तो बेटा जैसे मैंने पहले बताया था, हम एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन करने के बाद जो नेक्स्ट
periodic property उठाएंगे, that periodic property will be ionization energy. तो ionization energy करने से पहले we will be discussing trends of atomic size in periodic table. So we will be discussing this in our next lecture.